हेलो गाइस, मेरा नाम अली सराफ और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एलएलबी करने के बाद स्टेट पार्क काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो बिहार स्टेट पार्क काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें स्टेट पार्क काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को मैंने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन फाइनली आज मुझे सारे सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं और उसके अलावा जो बिहार स्टेट बार काउंसिल में जो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके सर्टिफिकेट्स भी मुझे प्राप्त हो चुके हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है वो सर्टिफिकेट्स और इसमें सारा कुछ मेंशन है, मेरा लाइसेंस जो इश्यू हुआ है उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन है, लाइसेंस नंबर है जो मुझे व्यवहार में यूज करने हैं वो सारे इसमें जो स्विगी से नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं और फाइनली ये मेरा सर्टिफिकेट्स है। इसके पीछे वाले सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट्स चीज़ें हैं जो आपको समझने की आज ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ें आज ब्लैंक छोड़ी गई हैं और इस सेक्शंस में भी बाद में फिल किए जाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझाने का प्रयास करूँगा और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको बने रहना है मेरे इस पूरे वीडियो के साथ, मैं आपको वो हर चीज़ बताऊंगा जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के कराने के दौरान आपको काफ़ी मदद करने वाली है, तो आपको बस बने रहना है मेरे इस पूरे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप बिहार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मन में ये सवाल उठता है कि क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके अलावा क्या फीस वगैरह वहाँ लगने को है और उसके बाद कितना समय के बाद आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या वहाँ लगेंगे। दोस्तों, जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं जो ओरिजिनल कॉपी में आपको सबमिट करने होते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला, आपको 10th का आपको मार्कशीट वहाँ जमा करना होता है और उसका मूल प्रमाण पत्र दूसरे नंबर पर जमा करना होता है। तीसरे नंबर पर आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट वहाँ जमा करना होते हैं और उसका मूल प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र ना हो यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना हो तो उसकी जगह पर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप जमा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आपकी जो लॉ की डिग्री है उसमें जो फाइनल ग्रेड का जो मार्कशीट है वो आपको सबमिट करने होते हैं। छठे नंबर पर उसके जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं और सातवें नंबर पर लॉ कॉलेज के जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपको ओरिजिनल कॉपी में वहाँ देने होते हैं। ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ ले जाने हैं और इसके 2 सेट में जेरोक्स कॉपी भी आपको वहाँ इंक्लूड करने होते हैं। तो ये आपको मेंशन करना है अपने माइंड में कि लॉ कॉलेज में से रिलेटेड और स्टेट बार काउंसिल में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो ये सारे चीज़ आप वेरीफाई हो ले कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और उसके 2 सेट जेरोक्स कॉपी है। उसके अलावा आपको एडवोकेट के ड्रेस कोड को मेंटेन करते हुए कुछ फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, वो करीब 4 या 5 फोटोग्राफ्स आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया। अब आपको जानना है कि फ़ी वगैरह आपको कितने लगने को है स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ चालान्स पड़े हैं जिसमें बहुत सारे पेमेंट्स हैं और इसमें जो है कि आपको टोटल 24,975 रुपया का पेमेंट आपको बैंक चालान के थ्रू जमा करने होते हैं। जब आप स्टेट बार काउंसिल में आप जाते हैं तो स्टेट बार काउंसिल के काउंटर से आपको बहुत सारे चालान मिलते हैं, अलग अलग अकाउंट नंबर मेंशन किए हुए जिसमें आपको सारे जो वहाँ बताया जाता है कि किस किस चालान पे कितने कितने अमाउंट आपको भर के वहाँ पे करने हैं। तो वो जब आप टोटली आप सारे चालान आप भर लेंगे तो उसी बिहार स्टेट बार काउंसिल के ही बिल्डिंग के नीचे एक सेक्शन है जहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का वहाँ पर ब्रांच है जिसमें आपको सारे डिपॉजिट्स करने हैं। सारे डिपॉजिट करने के बाद ये स्लिप्स आपको मिल जाएंगे। इस स्लिप्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लिप आपको उस दिन जमा करने हैं जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन के जो स्लिप आप जमा करेंगे तो ये स्लिप लेके आपको स्टेट बार काउंसिल के काउंटर पे जाना है, तो आपको वहाँ पे 2 साल के जर्नल्स जो आपको पेन ड्राइव फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, उसके अलावे 2 रिसिप्ट आपको बना के दिए जाएंगे। एक रिसिप्ट आपको मिलेंगे 16,600 रुपये के, ये ऐसा रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक मिलेगा 8,375 रुपये का रिसिप्ट मिलेगा, ये आपको 2 रिसिप्ट दिए जाएंगे। इसके साथ ही 2 एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको सारे चीज़ें आपको फिल करके वहाँ सबमिट करने होते हैं, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा और सब कुछ मिलने के बाद आप उसके उसको इत्मीनान से आप भरेंगे। उसके बाद उस फॉर्म पे 2 एडवोकेट के आपको सिग्नेचर कराने होते हैं और उसको एफिडेविट करवा के उसको फुल्ली कंप्लीट करने के बाद जब आप जमा करेंगे तो एक चेक लिस्ट के द्वारा आपको उसमें सारे कुछ आपको बताया जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, सीरियल नंबर मेंशन किया जाएगा, डेट मेंशन किया जाएगा, 2 जो एडवोकेट आपको सेटिस्फाइड करेंगे जो सिग्नेचर करेंगे उस फॉर्म पे उसके नाम और उसके उनके मोबाइल नंबर मेंशन किए जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद
टोटल डॉक्यूमेंट्स जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करेंगे उसको सारा कुछ यहाँ मेंशन किया जाएगा। उसके पर यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, उसको जो सेक्रेटरी की जो कमेटी के जो मेंबर जो उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे उसका सिग्नेचर होगा। फाइनली सब कुछ होने के बाद नो डिफेक्ट वाले मोहर उस पर चिपकाए जाएंगे। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स और ये चेक स्लिप चले जाएंगे सचिव के पास, पार्क काउंसिल सचिव के पास, और फाइनली उनका सिग्नेचर होगा। जब सिग्नेचर होके ये वापस आएंगे तो ये एक कॉपी आपको दिया जाएगा और यही प्रूफ होगा कि आप उन्हें वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इसको बहुत ही संभाल के आपको रखने हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपको दो रिसिप्ट दिए गए होंगे, सबसे पहले फॉर्म फिलअप के फॉर्म देने के समय में उस फॉर्म में जो है एक फॉर्म है 8375 रुपये का, यानी कि 8375 रुपीज़ का जो चलान होगा वो आपको लाइब्रेरी विभाग में जब आप लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बुक मिलेंगे। वो सारे बुक्स यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं, ये सारे बुक्स इसी लाइब्रेरी के थ्रू, इसी चलान के थ्रू मुझे दिए गए थे और इसके पीछे उसके रिसीविंग्स के नोट्स आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको 2 साल के जर्नल और दिए जाएंगे जो पेन ड्राइव में होंगे, और इससे अगर आपको पेन ड्राइव आप देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे ये सब कुछ होने के बाद जब आप लौट जाएंगे तो कितने दिनों के बाद फिर आपको स्टेट बार काउंसिल में जाना है और आपको सर्टिफिकेट उस समय मिल जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको अप्रॉक्स 30 to 45 डेज का जो पीरियड होता है उसके दौरान ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इसे आप जब जाएँ तो 45 डेज के बाद ही जाएँ ताकि आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट्स मिल जाए और फिर आपको बार बार जाने की परेशानी से बचना पड़े। सारे टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मैं ये चेक स्लिप लेके वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद मैंने ये स्लिप दिखाया। वहाँ उस जो लिस्ट थे जितने जो सर्टिफिकेट्स कंप्लीट हो चुके थे उन्होंने उनको चेक करने के बाद मुझे बताया गया कि हाँ आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार है। आप एक ऊपरी मंजिल पर आपको एक चालान मिलेगा जिसको आपको भर के और जो भी जो वेलफेयर में जो अमाउंट जमा करना होता है जो इस चेक लिस्ट पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आप फाइनली जो है स्विगी से जब सर्टिफिकेट लाने जाते हैं तो आपको 6000 रुपया वो वार्ड मेंबर एसोसिएशन में के वेलफेयर फंड में आपको जमा करने होते हैं। तो वो चीज़ मुझे करना था और उसके लिए मुझे 6000 रुपये जमा करने थे। मैं 6000 रुपये लेके गया था लेकिन मुझे बाद में वहाँ जाने के बाद पता चला कि आपको 6300 रुपये पे करने पड़ेंगे और ये 300 रुपये एक्स्ट्रा मुझे इसलिए पे करने पड़े क्योंकि अप्रैल में जो सेशन जो है चेंज हो रहा था उसकी वजह से मुझे लेट फाइन के थ्रू आपको इसमें जो है यानी कि इसे अगर मार्च में ही मैंने ये सर्टिफिकेट उठाया होता तो ये जो है कि इसे मुझे 6000 रुपये ही पे करने होते, लेकिन मैंने अप्रैल में ये सर्टिफिकेट से लिया है इसीलिए मुझे 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा और इसीलिए 6300 रुपये मैंने ये चलान के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक में जमा करा है। उसके बाद जो उसके काउंटर पे मैंने जमा करा है तो ये 6300 रुपये का रिसिप्ट मुझे दिया गया और उसके बाद जो मुझे ये सर्टिफिकेट्स दिया गया और इस पूरे सर्टिफिकेट्स को मैंने बहुत गौर से देखा तो आगे पूरे सीज मेंशन किए गए थे और पीछे कुछ जगह खाली थे तो मैंने इसको साइड में रखा और पहले जो मुझे मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने जो जमा किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने बारी बारी करके मिलाया कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले हैं कि नहीं मिले, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए थे और उसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से संभाल के रख लिया। उसके अलावा मुझे एक आईडी कार्ड दिया गया जो इस प्रकार का दिया जाता है, ये इस प्रकार का, इसमें आपको इस तरह गले में पहन के आप जब कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो इसको आप लगा सकते हैं। तो ये मुझे 3 चीज़ वहाँ पर प्रोवाइड किया गया, एक सर्टिफिकेट्स और ये आईडी कार्ड और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझे वापस कर दिए गए। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई है जो स्टेट बार काउंसिल पटना के द्वारा आपको जारी किया जाता है। इसे ऊपर वाले भाग में सारे जो चीज़ें मेंशन की गई है वो एकदम परफेक्ट रहती है, लेकिन पीछे वाले सेक्शन से यहाँ आगे मेंशन बताया गया है कि काइंडली सी द नोट्स ऑन द बैक ऑफ द सर्टिफिकेट, यहाँ कुछ जो नोट्स वगैरह है उसको आपको पढ़ने के लिए बताया जाता है। ये सेक्शन अभी खाली छोड़ा गया है, ये सेक्शन भी भरे जाएंगे, लेकिन कब भरे जाएंगे, क्यों भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सेक्शन किस लिए है। तो ये सेक्शन आपको तब भरे जाएंगे जब आप परमानेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं AIV की यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं पूरा ऑल इंडिया
और लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो जब आप सर्टिफिकेट्स लाने फिर से पटना जाते हैं, बार काउंसिल पटना में, तो फिर आपको ये लेके जाना होता है और तब यहाँ पे कमेटी की और सेक्रेटरी की साइन किया जाता है, तब ये फाइनली ये सर्टिफिकेट्स होल लाइफ के लिए आपके लिए वैलिड हो जाता है। अभी फिलहाल ये 2 साल के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये 2 साल के लिए वैलिड है। इस पीरियड के दौरान आपको ये ऑल इंडिया वाइड एग्जामिनेशन को में अपियर होना है और उसको क्लियर करना है। तो ये थी स्टेट बार काउंसिल बिहार पटना से जुड़ी हुई सारी जानकारी, इनरोलमेंट की, फी स्ट्रक्चर की, डॉक्यूमेंट्स की और बहुत सारे सवालों की जो आपको जानना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें मैं कुछ ऐसी बातें हैं हो जो मैं आपको समझा नहीं पाया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने का और हर समय मदद करने का आपकी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय राधे राधे।